हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और लास्ट पार्ट में हम पीसा में थे, ट्रेन का वेट कर रहे थे। तो अभी हमारी ट्रेन आ गई है और यहाँ से 1 आवर लगेगा पहुँचने में। तो अभी हम फ्लोरेंस पहुँच गए हैं और अभी 5:15 हो रहा है। हमको एग्जैक्ट 1 आवर लगा पहुँचने में। तो बस अभी हमारे पास 4.5 आवर है घूमने के लिए, क्योंकि हमारी रिटर्न ट्रेन है रोम के लिए 9:45। तो चलिए विज़िट करते हैं फ्लोरेंस। आपको यहाँ पे इस टाइप्स की पेंटिंग बनाते हुए बहुत लोग दिख जाएंगे सेल करते हुए। एंड यहाँ पे लेदर मार्केट भी है अच्छा, मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जैकेट वगैरह मिल रही है। यहाँ पर ना एक चीज़ अच्छी है कि जो भी अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं वो सारे पास पास, मतलब मेन जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं, ऐसे तो पूरा सिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, बट जो मेन पॉइंट्स हैं वो पास में ही है। तो आप वॉक करके भी कवर कर सकते हो, बस बस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस अभी हम हमारे सेकेंड पॉइंट पर आ गए हैं। तो यहाँ पर लाइन लगी हुई है कैथेड्रल में जाने के लिए। एंड मे बी अभी प्रेयर टाइम है इसलिए सब बाहर ही वेट कर रहे हैं। और इसको घूमने में ही तीन घंटे तो मैक्सिमम लेके चलो आप। बहुत बड़ा कैथेड्रल है ये, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। यहाँ का शॉपिंग स्ट्रीट मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ही कलरफुल है। अभी इतने सारे मैंने देखे, ये मेरे को सबसे अच्छा लगा। सारे ब्रांड की शॉप है और मतलब हर कलर मिल जाएगा यहाँ पर आपको। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे आज के लास्ट डेस्टिनेशन पर। आप ये जो शॉप्स देख रहे हैं ये सारी गोल्ड की शॉप है, और ये एक ब्रिज के ऊपर जो छोटे छोटे से घर बने हुए हैं ना उनके ऊपर है।
ये हमारी मायरा का नया शौक शुरू हो गया है, जहाँ भी इनको रेलिंग दिखती है ना या कुछ भी इस टाइप का, उसके अंदर इनको जाना है। देखो तो अभी हम रिटर्न स्टेशन आ गए हैं। हमने खाना जो है वो इंडियन रेस्टोरेंट से पैक करा लिया है, क्योंकि फिर खाना खाने रुकते ना तो लेट हो जाता, तो हमने सोचा स्टेशन पे ही वेट कर लेंगे थोड़ी देर। तो यहाँ पे तो अभी जो रोम की ट्रेन है वो सारी लेट दिख रही है, बट हमारी ट्रेन तो अभी टाइम पे ही है, देखते हैं टाइम पर आती है नहीं। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है, एक्चुअली फास्ट ट्रेन है, वो सारी स्लो ट्रेन थी। तो अभी बस हम ट्रेन में डिनर करेंगे और 11:30 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि सुबह हमको 4 बजे निकलना है एयरपोर्ट के लिए। और ट्रेन में तो ज़्यादा कोई है भी नहीं, एक या दो लोग ही हैं हमारे इसमें। और बस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।